गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स दिस इज यस क्लास एंड टूडे वी स्टार्ट द चैप्टर एट क्लॉथ्स will learn लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स for फॉर मेकिंग क्लॉथ्स care ऑफ क्लॉथ्स सो कपड़े वो जो हम अपनी बॉडी को कवर करते हैं तो उसे हम क्लॉथ्स बोलते हैं कुछ क्लॉथ्स स्ट्रेच होते हैं और कुछ हम खुद सिलवा कर पहनते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स अलग अलग तरह के कपड़े होते हैं इन समर हम गर्मियों में कॉटन के कपड़े पहनते हैं सर्दियों में हम वॉम क्लॉथ्स पाते हैं जो हमें गर्म रखते हैं और वर्षा में हम बारिशों में हम रेनकेट्स और गम बूट्स यूज करते हैं काम करते तो हैं नेक्स्ट पेज मटीरियल्स फॉम मेकिंग क्लॉथ्स कपड़े बनाने के लिए हमें मटीरियल की जरूरत होती है जिसे हम फैब्रिक कहते हैं और ये फैब्रिक जो है वो थ्रेड से बनता है जिसे हम फाइबर्स कहते हैं दो तरह के फाइबर्स होते हैं नेचुरल एंड सिंथेटिक नेचुरल फ़ाइबर्स वो होते हैं जो हमें शीप से मिलते हैं लाइक यास कॉटन, सिल्क ऐसे ही जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो मैन मेड होते हैं इनसे हमें नायलॉन रेन पॉलिसन ट्रायलिनिन ये सारी फाइबर्स हमें मैन मेड द्वारा मिलती हैं एंड नेक्स्ट टॉपिक टेकिंग केयर ऑफ क्लॉथ्स कपड़ों को हमें अच्छे डिटर्जेंट से वॉश करना चाहिए सिल्क और फूलन के कपड़ों को ड्राई क्लीन करवाना चाहिए कपड़ों पर प्रॉपर धूप लगवानी चाहिए और हमेशा उन्हें अच्छे से स्टोर करना चाहिए ज़्यादातर तक पहने हुए कपड़ों को वॉश करना चाहिए और उन्हें गंदा नहीं रखना चाहिए नैप्टलिनम की बॉल्स होती हैं वो हमें वोलन या सिल्क के कपड़ों में यूज़ करनी चाहिए जिससे वो प्रोटेक्ट करते हैं होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर स्टूडेंट्स थैंक यू